अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपने बुलाया। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। भाई, अब हमारी बेटी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अपने बाबा के पास कुछ देर बैठ सके। अगर पास बैठ कर डांटी सुननी है तो दूर ही सही। मेरी बेटी अभी तक नाराज है क्या मुझसे? आपको क्या परवाह, आप मजीद डांट के अपना शौक पूरा कर रहे। तुम्हारे भले के लिए तो तुम्हें डांटता हूं ना। बचपन में तो नहीं डांटते थे आप मुझे, अब क्या हो गया है, बुरे लगने लग गई हूं मैं आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, कर छोड़ो उन बातों को। कल शाम को तुमने जरा अबल सबर की तैयार होकर बैठना है, ठीक है? अच्छा बेटा, मेरी इस बेटी को तैयार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी पापा जान, कुछ खास है? मेरे एक दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है मेरे, जो कि इस शहर के बहुत बड़े सियासतदान भी हैं। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए। कल आ रहे ना वो लोग? बाबा, जब मैंने आपको कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी तो आपने क्यों बुलाया उनको? बेटा, शादी तो करनी है ना। अरबाज बहुत अच्छा लड़का है। वो अच्छा हो या बुरा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने आपको कह दिया है मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी, मना कर दे आप उनको। मनाल, मुझे नहीं करनी है बाबा शादी, मना करे प्लीज उनको। बड़ाई बाबा, आप फिक्र मत करें, मैं बात